हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मैथ। और बीएससी मैथमेटिक्स की इस वीडियो में जैसा कि हम रियल एनालिसिस पर डिस्कस कर रहे थे, और ये रियल एनालिसिस की फोर्थ वीडियो है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो को आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करेंगे। इन सभी प्रॉब्लम्स में हमें सुप्रीमम और इन्फिमम फाइंड करने हैं, राइट। सो आई होप कि सुप्रीमम और इन्फिमम ये होते क्या हैं ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं आपको ये टॉपिक पहले ही समझा दिया था। अगर नहीं समझ में आया है तो जैसा कि मैंने आप कहा आपको कि आप आई टैब पर क्लिक करके देख लीजिए। इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बाउंडेड और अनबाउंडेड इंटरवल्स के बारे में समझाना चाहूँगा, ताकि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, राइट। तो यहाँ पर देखिए, बाउंडेड इंटरवल्स क्या होते हैं। नाउ बाउंडेड इंटरवल्स, ओके, ए और बी दो रियल नंबर आपको दिए गए हैं, राइट, जहाँ पे ए इज लेस देन बी, ओके, देन द इंटरवल्स क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, राइट, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, क्लोज्ड ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, और ओपन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, राइट। ये सारे इंटरवल जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये कहलाते हैं ये बाउंडेड इंटरवल, राइट। ये सभी इंटरवल जो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये बाउंडेड इंटरवल्स कहलाते हैं, राइट। अगर हम इन सभी इंटरवल्स की सुप्रीमम और इन्फिमम पर डिस्कस करें तो क्या हो जाएगा। मान लीजिए कि ये जो सेट है, राइट, ये सेट S1 हम इसको नाम दे रहे हैं और इस सेट को हम S2 नाम दे रहे हैं, राइट। सीधे सीधे आप इस चीज़ को समझते रहिएगा, मैं यहीं पर क्लियर कर दे रहा हूँ। दिस इज सेट S3 एंड दिस इज सेट S4। अगर हम इस सेट S1 की सुप्रीमम की बात करें तो वो होगा B, इन्फिमम की बात करें तो वो होगा A। यहाँ पर भी सुप्रीमम होगा B, इन्फिमम होगा A, यहाँ पर भी सुप्रीमम होगा B, इन्फिमम होगा A, यहाँ पर भी सुप्रीमम होगा B और इन्फिमम होगा A। इस चीज़ को अगर मैं नंबर लाइन पर बताऊँगा तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा, राइट। जैसा कि ये हो गया A और ये हो गया B, राइट, और यहाँ पर ये हो गया क्लोज इंटरवल, राइट। आई होप कि क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का बेसिक मतलब आप समझते होंगे। रियल एनालिसिस की जो फर्स्ट वीडियो वहाँ पर मैंने इंटरवल्स पर डिस्कस किया था। क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये होता है कि ए और बी के बीच सभी नंबर यूज में आएंगे, जितने भी रियल नंबर होंगे, और उसके साथ साथ ए और बी भी आएगा, राइट। और ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि ए और बी के बीच जितने भी नंबर हैं केवल वो यूज में आएंगे, राइट। ए और बी के बीच जितने भी रियल नंबर होंगे वो यूज में आएंगे, लेकिन ए और बी नहीं आएगा, राइट। इन सभी का बेसिक मतलब मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, राइट। और यहाँ पर इस चीज़ को समझिए, आपको ये बात पता है कि इस बी के इधर जितने भी रियल नंबर होंगे, राइट, इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे, राइट, ये जो है कि प्लस इनफाइनाइट की ओर जाएगा और ये यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट की ओर जाएगा। तो इस B के इधर जितने भी रियल नंबर होंगे वो सारे नंबर इस दिए गए सेट S1 के अपर बाउंड कहलाएंगे, राइट, ये हो जाएगा अपर बाउंड। और उसके साथ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा B भी आएगा, राइट, B से लेकर इधर जितने भी नंबर हैं वो अपर बाउंड कहलाएंगे इस दिए गए सेट S1 के। और इस A के इधर जितने भी रियल नंबर होंगे वो इस सेट के लोअर बाउंड कहलाएंगे, राइट, और इनके साथ ए भी आएगा, राइट, इस सब का भी ध्यान रखिएगा, राइट। और यहां पर देखिए, मैं यहां पर अपर बाउंड और लोअर बाउंड का बेसिक मतलब समझा चुका हूं, राइट। फर्स्ट और सेकंड वीडियो आप रियल एनालिसिस की देखे होंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई चीज समझ में ना आ रहा होगा, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, राइट। यहां पर इस चीज को समझिए, अगर इन सभी अपर बाउंड में जो सबसे छोटा नंबर होता है वो कहलाता है लीस्ट अपर बाउंड, तो यहाँ पर ये जो बी है ये सबसे छोटा नंबर होगा, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से सारे नंबर बड़े होते चले जाएंगे ना, तो इनमें सबसे छोटा नंबर बी ही तो होगा, तो ये जो बी है वो कहलाएगा लीस्ट अपर बाउंड। मैं इसे एल यू बी से लिख रहा हूँ, लीस्ट अपर बाउंड,
राइट, या फिर इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सुप्रीमम, राइट, सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट S1 या सुप्रीमम ऑफ S1, यहां पर B हो जाएगा, राइट, इस क्लोज इंटरवल AB का जो सुप्रीमम या हम कहें कि लीस्ट अपर बाउंड जो होगा वो क्या होगा, B होगा, राइट। और यहां पर आपको पता है कि इस A के इधर जितने भी नंबर होंगे वो सब धीरे धीरे घटते जाएंगे, राइट, माइनस इनफाइनाइट की ओर हम जा रहे हैं, तो इधर जितने भी नंबर होंगे सब घटते जाते हैं, राइट, तो इन सभी नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो कहलाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, राइट। तो यहाँ पर ये जो ए है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी एल बी से, राइट, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट एस वन, या इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इनफीमम, राइट, और वो क्या होगा, ए होगा, राइट। तो इन सभी सेट के लिए अगर आपको ऐसा सेट दे रखा है, राइट, या फिर आपको ऐसा अगर प्रॉब्लम दे रखा है 2, 3, अगर ऐसा एक सेट S1 दे रखा है और कहा जाए कि इसका सुप्रीमम क्या होगा, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा 3, और इनफीमम क्या होगा तो होगा 2, राइट। चाहे अगर ऐसा भी इंटरवल दिया हो तो भी यहाँ पे सुप्रीमम होगा 3 और इनफीमम होगा 2, राइट। एक्चुअली इसका मतलब, इस ओपन इंटरवल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखिए 2 और 3 में, 2 और 3 के बीच जितने भी रियल नंबर है केवल वो यूज में आएंगे, राइट, 2 और 3 नहीं आएगा, लेकिन अगर हम सुप्रीमम और इन्फीमम की बात करें तो ये हो जाएगा सुप्रीमम और ये हो जाएगा इन्फीमम, राइट। तो आई होप कि ये जो मैंने आपको समझाया ये बात आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको बताया था कि अगर किसी सेट की अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है, राइट, तो वो जो सेट है वो बाउंडेड एबव होगा, राइट, और यदि किसी सेट की लोअर बाउंड एग्जिस्ट करती है तो वो जो सेट होगा वो बाउंडेड बिलो होगा। तो यहां पर ये जो सेट S1 है ये बाउंडेड एबव भी है, क्योंकि यहां पे अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रही है और बाउंडेड बिलो भी है, राइट, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर लोअर बाउंड भी सेट की एग्जिस्ट कर रही है, तो ये एक बाउंडेड सेट है। बाउंडेड सेट मतलब कि इसकी अपर बाउंड भी, बाउंडेड एबव भी है ये सेट और बाउंडेड बिलो भी है, राइट। तो आई होप कि ये बाउंडेड इंटरवल्स का जो बेसिक मतलब मैंने यहां पे बोला ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अब हम बात करते हैं अनबाउंडेड इंटरवल, तो अब हम बात करते हैं अनबाउंडेड इंटरवल्स पर। नाउ इंटरवल्स ए कामा इनफाइनाइट, क्लोज ए कामा इनफाइनाइट, राइट, माइनस इनफाइनाइट कामा ए और माइनस इनफाइनाइट कामा ए, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इंटरवल कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, राइट। माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट पर हमेशा जो है कि ओपन इंटरवल ये लगाया जाता है, ओके। और एक और मैं यहाँ पे इंटरवल लेता हूँ माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, राइट। तो ये जितने भी इंटरवल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये सारे इंटरवल्स अनबाउंडेड इंटरवल्स कहलाएंगे, राइट। अगर मैं इस इंटरवल को S1 नाम दे रहा हूँ, इस इंटरवल को S2, राइट, और इस इंटरवल को S3, और इस इंटरवल को S4, और इस इंटरवल को अगर मैं नाम दे रहा हूँ S5, राइट, तो इस सेट S1 की अगर हम सुप्रीमम की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं होगा। मेरा मतलब कि जब अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं होगा तो हम सुप्रीमम कहेंगे ही नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पर नंबर लाइन ये बना रहा हूँ तो इस चीज़ से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सो दिस इज ए, राइट, और आपको पता है कि ए से इन्फाइनाइट की ओर जा रहा है, मतलब ये कि यहाँ से लेकर कि ये इन्फाइनाइट, मतलब कि ये प्लस इन्फाइनाइट है और ये माइनस इन्फाइनाइट है, राइट। तो क्या आप एक ऐसा नंबर फाइंड कर सकते हैं, राइट, कि वो नंबर क्या हो कि इन सभी इनफाइनाइट ए से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर्स हो उनसे बड़ा हो? इम्पॉसिबल है, क्योंकि अपर बाउंड का बेसिक मतलब आप समझते हैं, राइट। यहाँ पर कोई अपर बाउंड इस सेट का एग्जिस्ट नहीं करेगा, केवल लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ए के इधर जितने भी नंबर होंगे वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे, लोअर बाउंड कहलाएंगे। मैं इसे एल बी से लिख दे रहा हूँ, राइट, बेसिक मतलब आप समझते रहिएगा क्योंकि ये बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर इस सेट का लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट S1 को हम लोग क्या कहेंगे, बाउंडेड बिलो कहेंगे, बाउंडेड बिलो, क्योंकि लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा इसलिए ये बाउंडेड बिलो है। अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, राइट, तो इसे हम बाउंडेड एबव कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा,
बाउंडेड बिलो मीन्स कि लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा, राइट ओके। यहाँ पे इसको हम बाउंडेड, इस चीज को मैं समझा के ही छोड़ दे रहा हूँ, राइट। बाउंडेड एबव ये सेट नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, राइट। अगर हम इसके बाद अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा तो इसका इन्फिमम क्या होगा, ए सुप्रीमम होगा ही नहीं, राइट। अब हम आते हैं इस सेट पर, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसका केवल इन्फिमम होगा, राइट, क्योंकि लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो इसका इन्फिमम क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये जो सेट है ये भी क्या है, बाउंडेड बिलो है। अगर हम इस सेट एस थ्री की बात करें तो आप देख सकते हैं कि क्या है इस सेट एस का, एस थ्री का, कि अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, राइट, क्योंकि नंबर लाइन पर यहाँ पे ये हो गया ए और ये माइनस इन्फाइनेट है, तो माइनस इन्फाइनेट की ओर जा रहा है ना, तो यहाँ पर जितने भी नंबर होंगे तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, अपर बाउंड कहलाएंगे, उसके साथ ए भी यहाँ पर इंक्लूड होगा, राइट। ए से लेकर जितने भी नंबर होंगे सभी अपर बाउंड कहलाएंगे, और इन सभी नंबर में जो सबसे छोटा होगा वो कहलाएगा लीस्ट अपर बाउंड, तो ये होगा लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, सुप्रीमम कहते हैं। तो सुप्रीमम ऑफ दिस सेट एस थ्री क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट। इन्फिमम पॉसिबल है नहीं, तो ये जो सेट है अब यहाँ पे अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा, तो इस सेट एस थ्री का क्या कहेंगे हम लोग, बाउंडेड एबव कहेंगे, राइट। सॉरी, ये जो सेट एस थ्री है ये बाउंडेड एबव है, राइट। इस चीज़ को मैं समझा के छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये भी सेट क्या है कि बाउंडेड एबव है, क्योंकि इसका सुप्रीमम आपको दिखाई पड़ रहा है, राइट। इस सेट पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेट एस का ना तो ये बाउंडेड एबव है ना बाउंडेड बिलो है, राइट, क्योंकि ना तो इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा ना तो इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो आई होप कि ये अनबाउंडेड इंटरवल्स का भी यहाँ पर बेसिक मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। अगर आपको कहीं से कोई डाउट है या फिर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हैं तो वहाँ से भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, राइट। तो आई होप कि बाउंडेड इंटरवल और अनबाउंडेड इंटरवल का बेसिक मतलब आपने समझा होगा, और इसी के बेस पर मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिया हूँ। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मैंने ले रखा है, राइट। तो अब मैं इन क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूँ।